हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास बोर्ड। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे, इसका चैप्टर नंबर 6 यानी कि रूट्स एंड फ्लावर्स हम स्टार्ट कर चुके थे। उसका पेज नंबर 38 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने समझाया था रूट के टाइप, रूट सिस्टम में टैप रूट था, फाइब्रस रूट था, फिर रूट के फंक्शन थे जिसमें वाटर स्टोरिंग रूट था, प्रोपेगेटिंग रूट था, बटरेस रूट था और एरियल रूट था, फूड स्टोरेज रूट भी था। फिर शूट सिस्टम यानी रूट के ऊपर वाला हिस्सा जो ज़मीन के बाहर दिखाई देता है, उसमें था स्टेम और बड़, आगे और भी हैं। अब पढ़ेंगे हम लीव्स यानी पेज नंबर 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीव्स यानी पत्तियाँ। लीव्स यानी क्या होता है? पत्तियाँ, एल ई ए एफ। लीफ यानी एक पत्ती और इस एफ को हटा के एल ई ए वी ई एस, लीव्स। लीव्स यानी एक से ज़्यादा पत्तियाँ। तो लीव्स प्रोवाइड ट्रीज विथ ऑल देयर फूड बिकॉज दे टर्न सनलाइट इंटू फूड एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। लीव्स ऑल्सो मेक ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी ब्रीद। यानी लीव्स ट्री के लिए उसका फूड प्रोवाइड करती हैं। यानी फूड कौन बनाता है? लीव्स बनाती हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, यानी धूप की हेल्प से। और उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखेगा आपको, फोटो सिंथेसिस। लीव्स ऑल्सो मेक ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी ब्रीथ। और पत्तियाँ ऑक्सीजन भी बनाती हैं जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं, यानी हम सांस ले सकते हैं। फिर है फ्लावर्स। फ्लावर्स जनरली आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी फूल जो होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। देयर ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स दैट प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। यानी उनकी जो सुंदरता होती है और उनकी जो खुशबू होती है वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, और इससे एक अच्छा सा रोल प्ले होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। फ्लावर्स अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं एंड अलग अलग कलर्स के होते हैं। दो द फ्लावर्स में लुक डिफरेंट, दे हैव द सेम बेसिक पार्ट्स। अ फ्लावर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, देखिए कौन कौन से हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टैमेन एंड पिस्टिल। पेटल्स आर द ब्राइट, इसमें जो पेटल होते हैं वो ब्राइट होते हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड समटाइम्स हैव अ स्वीट स्मेल। ये देखिए इसमें होगा पेटल, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा पेटल, जो ब्यूटीफुल भी होता है, कलरफुल भी होता है, ब्राइट भी होता है और कभी कभी उसमें अच्छे से स्मेल भी होती है, यानी खुशबू भी होती है उसमें। लिटिल ग्रीन लीव्स दैट प्रोटेक्ट अ फ्लावर बड आर कॉल्ड सेपल्स। छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियाँ जो उसकी बर्ड को संभाल के रखती हैं, उसकी बर्ड का ख्याल रखती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, वो होती हैं सेपल्स। क्या होती हैं? सेपल्स। तो चलिए आपको बताती हूँ सेपल्स, ये इसमें ही होगा सेपल्स, ये रही, ये देखिए नीचे की तरफ ये लिखा हुआ सेपल और ये रही सेपल। ओके, अब देखिए आगे। स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जैसे हम इंसानों में कुछ चीज़ें मेल होती हैं, यानी हम जो बॉयज़ होते हैं वो मेल होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो फीमेल होती हैं, जो डॉग होता है वो मेल होता है और बिच होती है वो फीमेल होती है, बुल मेल होता है तो काउ फीमेल होती है, तो बिल्कुल इसी तरह फ्लावर में भी मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो इसमें जो मेल पार्ट है उसका नेम है स्टैमेन। क्या नेम है? स्टैमेन। इट इज़ मेड अप ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। और ये किससे बना होता है? फिलामेंट एंड एंथर से। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, और जो एंथर होता है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। पिस्टिल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर इट्स पार्ट। अब आपको फिर से समझाना होगा मुझे, तो चलिए समझाती हूँ। देखिए इसमें बोला है कि पेटल इसमें एक पार्ट होता है जो ब्राइट होता है, कलरफुल होता है और उसकी अच्छी स्मेल भी होती है, जैसे कि ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है।
और एक होता है सेपल, जिसमें लिटिल छोटी छोटी ग्रीन लीव्स होती हैं जो फ्लावर की बड को यानी उसकी कली को प्रोटेक्ट करती हैं। और स्टैमेन जो होता है वो उसका मेल पार्ट होता है, यानी मैंने आपको बता दिया मेल पार्ट। उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं टू, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर, और एंथर करता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस। और इसके अंदर एक होता है पिस्टिल जो आपको दिखेगा अभी, ये नहीं है, ये रहा। और इसके अंदर थ्री टाइप्स होते हैं पिस्टिल, देखिए यहाँ पे ये थ्री टाइप को दिख रहे हैं यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, फ्लावर्स इन आवर लाइव्स। अब फ्लावर का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो चलिए देखिए। फ्लावर्स है वो, फ्लावर्स यानी समझते हो ना आप, फूल जिससे खुशबू आती है, जो ब्यूटीफुल होते हैं, जिनका कलर भी बहुत अच्छा होता है, जो हम किसी भी फेस्टिवल पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या किसी से मिलते टाइम देते हैं उनको। फ्लावर्स हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर लाइव्स। फूलों का हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही स्पेशल स्थान है यानी जगह है। ऑन रिलीजियस फेस्टिवल यानी हमारे त्योहारों में, आइडल्स ऑफ डाइटीज आर डेकोरेटेड विद द गार्लैंड्स मेड ऑफ मैरीगोल्ड्स एंड रोजेज। और हम अगर किसी को माला पहनाते हैं, चाहे वो कोई किसी की जीत की खुशी में हो या चाहे भगवान जी को ही क्यों ना हो, उनको भी हम फ्लावर से ही बनाते हैं, जिसमें मोस्टली यूज़ होते हैं मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल और रोज़ यानी गुलाब के फूल। पीपल एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू फ्लावर्स ऑन स्पेशल डेज सच एज अ बॉकेट फॉर योर पेरेंट्स ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी और फ्लावर्स फॉर योर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे। यानी लोग अपने इमोशंस, अपनी खुशी, अपना प्यार जताने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं उनके स्पेशल डेज पे। बॉकेट यानी फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बी ओ यू क्यू यू ई टी, बॉकेट यानी गुलदस्ता। फॉर योर पेरेंट्स यानी अपने मम्मी पापा के लिए, ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी यानी उनकी शादी की सालगिरह पे, जैसे कि आपने फूलों का गुच्छा ले लिया यानी वो गुलदस्ता ले लिया, फ्लावर्स फॉर योर ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी के लिए, उनके बर्थडे पे ले लिया, अपने फ्रेंड के लिए ले लिया, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, किसी के लिए भी ले सकते हो, तो वहाँ पे भी फ्लावर्स का अपना एक अलग सा अच्छा सा रोल होता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, सोप, शैम्पू एंड लोशंस। यानी जो मीठी खुशबू वाले, अच्छी खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट, उनकी खुशबू को लिया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए, सोप यानी नहाने का साबुन बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए और लोशन बनाने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक इंसेंस स्टिक, और इनका एक और यूज़ होता है इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती बनाने के लिए। अगरबत्ती नाम सुना होगा ना भगवान जी को जो हम करते हैं। अब आगे देखिए, फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक एसेंसेस सच एज द वनीला एसेंस यूज्ड इन केक्स एंड डेजर्ट्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनका एसेंस बनता है यानी उनकी खुशबू और टेस्ट दोनों अच्छे होते हैं, तो उनको लिया जाता है और किसी भी डिश में डाल के उसका फ्लेवर बढ़ाया जाता है, जैसे कि वनीला एसेंस। आपने सुना होगा ना वनीला फ्लेवर की कुल्फी भी आती है, आइसक्रीम भी आती है, केक भी आते हैं, तो वो फ्लावर ही होता है। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक ड्राई कलर्स कॉल्ड गुलाल ड्यूरिंग होली सेलिब्रेशन। यानी कुछ फ्लावर के पेटल्स जब कभी मैंने दिखाए थे यानी फूल की पंखुड़ियाँ, वो गुलाल बनाने के काम भी आती हैं, जैसे कि होली पे गुलाल लगाते हैं ना, तो अलग अलग कलर के फूल होते हैं तो अलग अलग कलर का गुलाल बनता है। टेशू फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक द ऑरेंज कलर, और टेसू टी ई एस यू, टेसू यानी ये भी एक फूल होता है, इसका जो कलर होता है वो बनता है ऑरेंज। वाइल मैरीगोल्ड फ्लावर आर यूज्ड टू गेट द येलो कलर, और मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है यानी गेंदे का फूल, उससे बनता है येलो कलर। ओके, तो आज इतना ही, अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ये देखिए, और आज होमवर्क देख लीजिए अपना। आपको मैं क्वेश्चन 4 तक करा चुकी हूँ और आज बारी है आपके क्वेश्चन 5 की, तो चलिए देखिए इसको ध्यान से। राइट सम यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के यूज़ लिखिए। आपने जहाँ तक क्वेश्चन 4 कर लिया था उसके जस्ट नीचे आप क्वेश्चन 5 कर सकते हो, अगर जगह नहीं बची है तो आपको न्यू पेज लेना है। नंबर 1 लिखा है मैंने डेकोरेशन, नंबर 2 मेकिंग परफ्यूम्स, सोप्स, शैम्पू एंड लोशंस, नंबर 3 मेकिंग इंसेंस स्टिक्स,
नंबर फोर मेकिंग एसेंसेस एंड नंबर फाइव मेकिंग कलर्स, फिर लिखा है मैंने ETC यानी और भी बहुत कुछ। तो आपको भी जैसे मैंने किया है वैसा ही करना है बिल्कुल, और अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।